उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद अंतर्गत प्रयागपुर गांव में और प्रयागपुर गांव की सारिका बिटिया ने मऊ जनपद में इंटरमीडिएट में प्रथम स्थान हासिल किया है। यह है अपने परिवार में अपने भाई बहनों माता और बाबा के साथ बैठी हुई है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा। धन्यवाद। कैसा लग रहा है जब तुमने सफलता की खबर सुनी तो कैसा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे मतलब परिवार वाले बहुत खुश हैं, मेरे गुरुजन बहुत खुश हैं, मेरे सभी अध्यापक बहुत खुश हैं, जिससे मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तुम कहाँ थी जब इस रिजल्ट की सूचना दी? सर मैं अपने नाना के घर पे थी, तो सर वहाँ पे भी सबको बहुत ज़्यादा खुशी हुई, नाना खुशी के मारे रो भी पड़े हैं, तो सर मुझे भी बहुत खुशी है। तो फिर मैं वहाँ से सीधा अपने विद्यालय पे अपने गुरु से मिलने के लिए चली आई। यस सर। तो कैसा सब दोस्तों का रिश्तेदारों का विद्यालय परिवार सबका रिस्पांस? बहुत अच्छा है, सभी ने बहुत ज़्यादा कांग्रेचुलेशन किया है मुझे। सभी शिक्षक वर्ग भी मेरे बहुत खुश हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है और जो मेरे विद्यालय में उपस्थित हैं सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैनेजर सर तो खुशी बहुत ज़्यादा है। माता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, आपकी बिटिया ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। सुना है आपकी पहली बेटी ने भी विद्यालय में स्थान प्राप्त किया? जी जी, वो हाई स्कूल और इंटर विजया पांडे नाम है उसका सर। वो अभी कहाँ है? वो इस समय दिल्ली में है सर। कैसा माहौल रखते हैं आपकी आपकी बिटिया, एक बड़ी बिटिया ने भी स्थान प्राप्त किया और इसने तो जिला टॉप कर लिया? जी ऐसे पढ़ाई के लिए थोड़ी छूट इनको देते हैं हम, और बाहर फालतू चीज़ों के लिए नहीं जाने देते हैं, घूमने नहीं देते हैं कि अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ वर्क भी ये लोग काम करते हैं घर का थोड़ा बहुत, लेकिन विशेष रूप से हम पढ़ाई के लिए ही फोर्स करते हैं इनको। पिताजी क्या करते हैं? वो दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते हैं सर। अच्छा। जी जी। एक प्राइवेट जॉब करते हुए जी, और दो दो बिटिया अगर टॉप में आती हैं तो निश्चित रूप से बड़ी बात है। जी जी। दादाजी आप क्या करते हैं, क्या शुभ नाम है? हमारा नाम दुर्गादीन पांडे है। आपकी बड़ी पोती जो है उसने भी सफलता प्राप्त की और ये सारिका बिटिया ने भी जिले में पहला स्थान प्राप्त किया, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। विद्यालय के लोगों को कैसा योगदान महसूस करते हैं बिटिया की पढ़ाई में? बहुत अच्छा से। हाँ। घर बहुत सामान्य सा है, ये खेती बाड़ी करते हैं लोग, देखिए यहाँ अनाज रखा हुआ है, और आप भी पूर्व शिक्षक हैं सरस्वती शिशु मंदिर से संभवतः, तो आप इस बिटिया के बारे में क्या जानते हैं और कैसी रही है पढ़ने लिखने में बचपन से? ये बहुत ही मेधावी छात्रा रही है और इसके बाद हमारे विद्यालय में हर बार कंपटीशन में कोई ना कोई स्थान अवश्य लाती थी। अच्छा। और बहुत ही हर काम में निपुण रहती है। क्या शुभ नाम है सर आपका? जितेंद्र कुमार मिश्र जी हैं। तो अभी इसकी सफलता को देखकर कैसा लग रहा है, क्या पहले? बहुत एकदम गदगद हैं हम, हैं बड़ा एकदम ये लग रहा है कि भाई हमारी से जो ये मनोकामना थी, सबसे बड़ी बात ये है जो आपसे बताए हैं कि ये बच्ची पूरा बैच निकला था 8 पास करके हमारे यहाँ से, इसके बाद इंटर कॉलेज में BSRK इंटर कॉलेज में गई, प्रवेश ली, वहाँ भी गुरुजनों का सहयोग मिला जा करके, क्योंकि बिना गुरुजनों के सहयोग से कुछ होने वाला नहीं है, वहाँ भी अच्छे शिक्षित मतलब अनुशासित शिक्षक मिले जिससे ये बच्ची इस कदम पर पहुँची है, इस मुकाम पर। और इस बच्ची में यही था, कितने बैच निकलने के बाद भी ये बच्ची प्रत्येक दिन जब इंटर का पेपर देने जाती थी तो हमारे यहाँ आशीर्वाद लेने जरूर आती थी, तो हमको ये लगता था, माँ शारदे से विनती करते थे कि हमारे लिए कुछ दिए, सब कुछ दियो, पर एक बार हमारी ये विनती सुन लीजिए कि इस बच्ची को भी कुछ ये दे दीजिए, ऐसा कर दीजिए कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी। जी जी, संस्कार भी बच्ची के अंदर है और परिवार के अंदर भी है, माता पिता के अंदर भी है, ये भी है। किसी भी कुम्हार का बर्तन बहुत अच्छा बन पड़ता है तो जी जी, बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है। आप सभी लोग कुम्हार हैं, जी जी, को बनाने में, गढ़ने में और यहाँ तक पहुँचाने में आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी पढ़ाई बिटिया ने आज नाम रोशन करते हुए आप सभी लोगों का, परिवार का, अपने गुरुजनों का और इंटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो बेटा पहले से ऐसा एम था कि ऐसे अनायास ही सफलता मिल गई? नहीं नहीं, हमारा एम था बहुत बड़ा एम था जिससे हमें कुछ न कुछ, देखिए आप देख सकते हैं जनपद में मुझे स्थान मिला है। मैंने और भी आगे का सोचा था, तो और भी मैं करूंगी, ऐसी बात नहीं है, मेहनत तो कभी करनी ही है। क्या बनना चाहती हूँ?
सर एयरफोर्स ऑफिसर बनना चाहते हैं। तुम्हारी प्रेरणा कौन है, किसे अपना आदर्श मानते हैं? सर महात्मा गांधी को, बिकॉज जो भी जिस तरीके से उन्होंने जो भी किया, जो भी किया वो देश के लिए किया है। यस सर, अहिंसा लिया चाहे हिंसावाद किया, जिस तरीके से भी किया देश के लिए किया है उन्होंने। बेटा तुम्हारा क्या नाम है? वर्षा पांडे। वर्षा पांडे, तुम क्या लगती हो, छोटी बहन हो? जी सर। तुम्हारी दीदी को यह सफलता मिली तो कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी सर। क्या तुम्हारी बड़ी दीदी ने भी टॉप किया था और इन्होंने भी टॉप किया था, तो तुम्हारे ऊपर भी जिम्मेदारी बढ़ गई? यस सर, है बहुत। ऐसा करने की कोशिश करोगे? जी सर। क्लास में चलो, बहुत बढ़िया। और तुम्हारे भाई क्या करते हैं, छोटे वाले जो बॉय में खड़े हैं? सर ये भी क्लास एट में है। अच्छा, तुम्हारी दीदी टॉप कर रही है तो दोस्त मित्र लोग का रिएक्शन रहे, लोग क्या कहते हैं? सर लोग कह रहे थे कि बधाई हो तुमको। तुमको बधाई दे रहे थे? यस सर। हैं, कोई मिठाई उठाई नहीं खिलाया तुमको? पढ़ाई में टॉप की हैं, तुम लोग छोटे भाई बहन हो तो तुम्हारे ऊपर भी एक बर्डन आ गया भाई, तुम्हारे आगे की जो दीदियां हैं वो टॉप की हैं तो तुमको भी पढ़ाई लिखाई में मन लगता है ना? यस सर। दीदी जो मोबाइल बनाने चलाने मन नहीं सर। आपके घरेलू काम में बिटिया हाथ बटाती हैं? हाँ हाँ, बिटिया जरूर हाथ बटाती है, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत तो करते ही हैं। जी जी। पिताजी क्या करते हैं? इनके पिताजी ये भी दिल्ली में प्राइवेट जॉब करते हैं। ये एक सामान्य सा प्राइवेट वर्क करते हुए जी, और जी। ऐसा शिक्षा, ऐसा संस्कार, ऐसा घर का वातावरण इन्होंने बना रखा है जी। कि बिटिया ने आज जिले में परचम लहराया है और दो अन्य बालिकाओं के साथ इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। आप सभी लोगों को, पूरे परिवार को, पूरे परिजनों को और सभी जो ननिहाल पक्ष के लोग भी हैं, जैसा मैंने आप लोगों के बातचीत के क्रम में बताया कि ननिहाल में भी बड़ी खुशी थी और जब रिजल्ट आया तो ननिहाल में जी जी नाना भी इसके सफलता में बड़े खुश हैं और इसकी मौसी टीचर हैं। तो ये शिक्षा संस्कार और वातावरण पढ़ाई लिखाई का ऐसा बनाया गया कि आज इस बिटिया ने सफलता प्राप्त की है और उसने अपनी सफलता का श्रेय जो है अपने परिवार के वातावरण को, माता पिता को और गुरुजनों को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, एक बार फिर से हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।